चार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रात्रि 9:15 का एक बहुत ही खास प्रयोग लेकर के आया हूं। आप जब इस प्रयोग को करेंगे तो आपको इसका ठीक 3 दिन बाद आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है। बस दोस्तों, आपको इस प्रयोग को, अगर आपके घर में शिवलिंग है, आपको उस प्रयोग को शिव जी के सामने करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप किसी शिवालय में जाकर के कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद रहे कि इसको रात्रि 9:15 पर ही करना है। आप उससे पहले या उसके बाद में इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मंदिर देख ले जो रात्रि 9 बजे तक खुला हो, 9:15 तक, और उस मंदिर में जाकर के आपको इस प्रयोग को करना है। दोस्तों, इसमें जरूरत पड़ने वाली है आपको आंवले की। आपको आंवला लेना है, आंवले का रस निकाल लेना है। अब काफी लोग क्वेश्चन करेंगे कि इस मौसम में तो अभी आंवला मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आंवला नहीं मिल रहा है तो जो सूखा आंवला होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो सूखे आंवले का जो पाउडर होता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सूखे आंवले का जो पाउडर होगा उसको आपको क्या करना है, आपको रात्रि में फुलाने डाल देना है, और फिर उसका जो रस निकलेगा, जो पानी होगा, उसको आपको तांबे के लोटे में भर लेना है। अब यदि ये भी अवेलेबल नहीं है आपके पास में, तो आप आंवले की पत्तियां भी यूज कर सकते हैं। आंवले की पत्तियों का जो रस निकलेगा उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस प्रयोग से लाभ क्या मिलने वाला है? अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा असाध्य बीमारी है, कोई हॉस्पिटल में काफी टाइम से पड़ा हुआ है लेकिन उसको आराम नहीं लग रहा है, कोई बड़े से बड़ा रोग आपको घेरा हुआ है, 3 दिन में अगर हॉस्पिटल में भी कोई व्यक्ति एडमिट है और काफी टाइम से वो एडमिट है, उसको वहां से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, 3 दिन आप इस प्रयोग को कर लीजिए, 3 दिन में वहां से हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। तो करना क्या दोस्तों, आपको एक तांबे के लोटे में, आपको जिस व्यक्ति की, यदि आप खुद हैं, खुद बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप खुद अपने लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी अपने घर के सदस्य के लिए या किसी रोगी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टाइम आपका परफेक्ट रहेगा कि रात्रि 9:15 पर ही आपको इस प्रयोग को करना है। आपको एक तांबे के लोटे में, जैसा कि मैंने बताया कि आंवले का रस ले सकते हैं, अगर आंवला मिल जाता है तो आंवले का रस ले लें, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो सूखे आंवले का रस ले लें, यानी कि सूखे आंवले का पाउडर, उसको आप फुला देंगे और उससे जो पानी निकलेगा तो उस पानी का भी यूज कर सकते हैं। और ये भी नहीं है तो आप आंवले की जो पत्तियां होती हैं उनका रस निकाल करके, और आपको रात्रि 9:15 पर, ठीक 15 मिनट, जैसे ही 15 मिनट होते हैं, और आपको शिवलिंग पे उस व्यक्ति के नाम का या अपने खुद के नाम का जल से अभिषेक कर देना है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं इसको, किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। 3 दिन में यदि नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो 5 दिन में परफेक्ट 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में है वहां से उसको छुट्टी मिल जाएगी, कितनों बड़ी बीमारी है। बस टाइम आपको याद रखना है कि 9:15, मतलब कि 9:15, ना 9:14 हो पाए और ना 16 हो पाए, आपको ठीक 9:15 पे भगवान शिव जी का अभिषेक कर देना है। अगर किसी रोगी व्यक्ति के लिए, अपने घर के सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसके नाम का संकल्प ले लें कि आप उसके लिए, आप 3 दिन के लिए आप प्रयोग को कर रहे हैं। यदि खुद के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों, एक चीज और याद रखना है आपको कि आपको लगातार 3 दिन, आपको गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं कि आपने आज कर लिया, कल छोड़ के फिर परसों कर लिया, ये नहीं करना है आपको। आपको कंटिन्यू 3 दिन तक इस प्रयोग को करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि आंवले का रस का नहीं मिल पा रहा है तो सूखा आंवला यूज कर लें, और वो भी नहीं है तो आंवले के रस की पत्तियों का रस निकाल लें, आंवले की पत्तियों का रस निकाल लें, उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आंवले का यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, परफेक्ट, एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एकदम अचूक उपाय है। दोस्तों, आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव बताइए कि आपको कितने दिन में और कितना लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि दोस्तों अभी तक जिसने भी इस प्रयोग को किया है उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा मैं आपके लाभ, आप लोगों के साथ भी इस प्रयोग को शेयर करूं, आप लोग भी इस प्रयोग का लाभ प्राप्त कर पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दया की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।